हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद भक्ति। आज आम बनैवा रसावली। आसतु एवं स्टार्ट कर। मु हाफ लीटर क्षीर नहीं 100 ग्राम छेना नहीं आगु ग्राइंड करी रखी पिस्ता काजू खाइबा सोढ़ा मैदा सुजी चीनी गुजराती गुंड नहीं आसतु एवं स्टार्ट करवा। गैस ऑन करी कड़ई बसेबा। कड़ई को भल भाव गरम करनवा। तापर मुझे क्षीर बॉयल हाँपी क्षीर को आमे लो मीडियम फ्लेम रे बॉयल करवा मोटा हेला पर्यंत। तापर आउ गोटे बाउल नवा। बाउल रे मु छेना को ग्राइंड करी नहीं मु छेनारे 2 चम्मच मैदा 2 चम्मच सुजी आउ गुजराती गुंड किछि देछि। तापर गोटे पिंच सोडा दे मैं ताकू भल भाव चकटी नेबी। आपण मैंने चाहिले छेना को हाथ रे भी प्रेस करी चकटी पारिबे। मु किंतु ग्राइंडर रे याकू ग्राइंड करी नेछि। ग्राइंडर रे आमे भल कि 3 रु 4 थर ग्राइंड करनबा। एबे आमर डो हेगला। तापर आमे गोटे प्लेट नबा। प्लेट रे आमे तेल टिके भल भाव क्रिज करदबा। एबे मु चकटी थिबा छेना को एमती काकरा भलिया बनई देछि। तापर आमे बसई थिबा खीर को मझीरे मझीरे घंटीबा। खीर एबे आमर हेई गलानी। तापर मु सेथिरे गोटे कप चीनी दे ताकू भल भाव घंटी देछि। खीर भी देखंतु आमर मोटा हेई आसलानी। तापर मुझे गोटे चामच गुजराती गुंड को दे देई। आपण मैंने क्षीर को लो मीडियम फ्लेम रे एमती कंटिन्यूसली घंटी चली थे जेपर्यंत क्षीर मोटा न होई। एबे कड़ई बसई दबा। कड़ई गरम करी नबा। तापर मुझे तेल दे देई। तेल को मध्य आमे भल भाव गरम करी नबा। एबे मुझे करी थिबा काकरा को पकई देई। छेनार काकरा को आमे छाणिला बेले लो मीडियम फ्लेम रे छाणिबा जेमती भीतर भल भाव सिजिबो। एही रसावली आमर ओडिशा प्रसिद्ध केन्द्रापड़ार रसावली। एहा बलदेव जीवंक पाखरे भोग लागिथाए। एटा बनेबा बहुत सहज। एबे आमे रसावली को टिके मझीरे मझीरे छेना को आमे जेते चकटिबा बा ग्राइंड करिबा तो आमर से बराटा से सॉफ्ट हबो आउ खाइबा को मध्य भल लागिबो। एबे बरा आमर हेई गलानी तो ताकू आमे उल्टेई नबा। देखंतु केते सुंदर भाबरे छेना बराटी आमर फुली जाइछि। ताकू आमे आराम से उल्टेइबा नहले छेना बराटी भांगी जाई पारे। एबे गोटे साइड आमर हेई गलानी। बरा को आम गोल्डन ब्राउन हवा पर्यंत छाणवा। आ मन रखिए कि लो मीडियम फ्लेम रे या करे। जदि आपण मानक मो रेसीपी भल लगुच तो आपण मैंने प्लीज लाइक शेयर कमेंट करेंगे। पाखे बेल आइकन को प्रेस करेंगे। जदि आपण मैंने मो चैनल नुआ अच्छा तो प्लीज सब्सक्राइब करेंगे। एवं क्षीर आमर टी आस्ते आस्ते मोटा हो आसान मैंने देखिपे। बरा भी एपटे हो गला छेनार तो तक आउ थे आम उल्टे नवा। कलर मध्य देखते के सुंदर आबे। बरा भी आमर भल भाव सीझी जा तो देखिपु के सुंदर भाव फुली आम ए गोटे प्लेट को काढ़ी दबा। पूरी जगन्नाथ मंदिर 56 भोग मध्य गोटे भोग यह खावाक बहुत भल लगे। यहाँ रथजात्रा समय ही भोग होता है जगन्नाथ पाखे। एबे मु क्षीर रे किछि पिस्ता बादाम आउ किछि काजू को ऐड कर देछि। आउ ताको टिके घंटी देछि। एबे आमे बनैथिबा काकरा को क्षीर रे गोटे गोटे किरी ऐड कर दबा। आउ ताको 2 मिनट पई कुक हबा पई छाड़ी दबा। रसावली क्षीर रे पड़ला परे आस्ते आस्ते क्षीर सोख हो जाय थाए बरा भितर को आ सॉफ्ट मध्य हो जाए। एको आमे टिके लो मीडियम फ्लेम रे 2 रु 3 मिनिट पर्यंत रखिबा। एबे रसावली आमर रेडी हो गलानी तो ताकू आमे
थंडा हवा पई गोटे घंटा पर्यंत छाड़ी दबा। थंडा हला परे खाइले एको भल लागे। एबे आमे गोटे सर्विंग बाउल को काढ़ी दबा। रसावली को धीरे धीरे काढ़े नहले रसावली भांगी जीवो। आपण माने चाहिले एथरे केसर भी आड करि परिबे। रसावली उपरे मु काजू आ पिस्ता टिके गार्निशिंग कर देइछि। आपण माने एमती रसावली घरे बनेकी खांतु। केमती लागिला कमेंट बॉक्स रे कमेंट दियंतु।